मैसिव ग्रोथ हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कोरोना में सिर्फ बर्बादी ही हुई है, नहीं, बहुत सारे सेक्टर बूम एकदम से ग्रोथ किए हैं इस कोरोना काल में एकदम से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं ई कॉमर्स की कंपनीज सेगमेंट हो गई है। और इस ड्यूरेशन के अंदर ई कॉमर्स ने मैसिव ग्रोथ की है, जहां पर लोगों की नौकरियां चली गई वहां पर ई कॉमर्स ने मैसिव ग्रोथ की है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 36% ग्रोथ हुई है इस कोरोना काल में पिछले 1.5 साल के अंदर ई कॉमर्स में। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अभी भी इसमें 84% ग्रोथ के चांसेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब धीरे धीरे आसपास की चीजें, आपकी शॉपिंग करने का तरीका सब बदलने वाला है, सब बदल। ऐसी कंपनी जिन्होंने मैसिव ग्रोथ देखी है, अगर आपको पता हो जेफ बेजोस के बारे में, तो जेफ बेजोस ने अपनी वर्थ इस कोरोना काल में जिस लेवल से इंक्रीज की है ना, जैसे जेफ बेजोस हो गया, अडानी हो गया, एलोन मस्क हो गया, ये अचानक से कैसे उभर के आ गए, समझ में आ रहा है? सो अमेजॉन जेफ बेजोस सबको पता है, मैसिव ग्रोथ दिखाई है उसने, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि घर पे बैठ के सामान आ जाए, अपने को रिस्क नहीं उठाना। रिलायंस, आपको पता है मुकेश अंबानी की जो वर्थ है इस कोरोना काल में किस लेवल से बढ़ी है? रिलायंस जियो, समझ रहे हो? और जियो का नाम नीचे क्यों लिखा हुआ है? इस कोरोना काल में हर किसी ने ये सोचा, समझा और जाना कि इंटरनेट कितना ही हुआ था, और लॉन्च होते टाइम उन्होंने कहा कि हम आपको बस अपना आधार कार्ड देना है, हम आपको फ्री में सिम देंगे, और उसके बाद 3 महीने तक आपकी जियो का सब फ्री है, आपके कॉलिंग फ्री में, तो शायद 6 महीने का था, तो 3 महीने या 6 महीने का फ्री में, कुछ नहीं देना, आपको पैसा देना ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने पैसे चार्ज करने शुरू किए, लेकिन वो जो 6 महीने थे शायद हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, हमारे इंडियन लोगों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम। नेटफ्लिक्स हो गया, उसने भी उतनी तरक्की करी है, बिग बास्केट जैसी कंपनीज इन्होंने उतनी तरक्की करी है इस कोरोना काल में। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बर्बाद।